नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य के 9000 से ज्यादा शिक्षकों को नौकरी से कर दी जाएगी छुट्टी। बिहार में 5 स्टेट हाईवे बनाने की मिल गई स्वीकृति। 26 जुलाई से पूर्व मध्य रेलवे चलाएगी 3 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें। मैट्रिक पास अल्पसंख्यक वर्ग के 50,000 छात्रों को मिलेंगे 10,000 रुपए। सेना भर्ती रैली की लिखित परीक्षा अगले आदेश तक हुई रद्द। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में 5 स्टेट हाईवे बनाने की मिल गई स्वीकृति। बिहार में सड़कों के जाल में 5 और स्टेट हाईवे जुड़ने वाले हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक से बिहार सरकार को इन निर्माणों के लिए लोन दिए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार के DEA ने स्वीकृति दे दी है। बताते चले कि राज्य सरकार की इस योजना को केंद्र सरकार के नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तर्ज पर ही पूरा किया जाएगा। ये 5 नए SH बिहार राज्य पथ विकास निगम की देखरेख में बनाए जाएंगे। बताते चले कि इस योजना के तहत SH 95 मानसी सिमरी बख्तियारपुर पथ, SH 98 कटिहार बलिरामपुर पथ, SH 101 YC बहादुरगंज दिग्गल बैंक पथ, SH 103 आबादेव मदनपुर पथ और SH 105 मांझवे गोविंद पर पथ का निर्माण होना है, जिसके लिए ADB बिहार सरकार को $329 मिलियन का ऋण देगी। अब केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद इन सड़कों के लिए टेंडर आदि प्रक्रिया होगी। 26 जुलाई से पूर्व मध्य रेलवे चलाएगी 3 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें। पटना बरौनी आरा रेल मार्ग के बीच के लोकल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 3 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत 26 जुलाई से बरौनी से पटना एवं दानापुर के लिए और आरा से सासाराम के बीच 3 जोड़ी डेमू मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होगी। जहां तक ट्रेन के टाइमिंग की बात है तो दानापुर बरौनी मेमू स्पेशल 26 जुलाई से अगले आदेश तक प्रतिदिन दानापुर से शाम के 5:55 खुलकर रात को 11:10 पर बरौनी पहुंचेगी। बरौनी दानापुर मेमू स्पेशल 27 जुलाई से अगले आदेश तक प्रतिदिन बरौनी से सुबह 5 खुलकर 9:45 पर दानापुर पहुंचेगी। इसी तरह सासाराम आरा डेमू स्पेशल 26 जुलाई से अगले आदेश तक रविवार को छोड़कर सप्ताह के शेष सभी दिन सासाराम से सुबह 11:15 पर खुलकर 2:20 पर आरा पहुंचेगी। वहीं वापसी में आरा सासाराम डेमू स्पेशल 26 जुलाई से रविवार को छोड़कर सप्ताह के शेष सभी दिन आरा से 3:05 पर खुलकर शाम के 6:25 पर सासाराम पहुंचेगी। सूबे में 48 घंटों बाद बदलने वाला है मौसम का मिजाज। उमस भरी गर्मी से बेहाल लोग 2 दिन और इंतजार कर ले, क्योंकि अगले 40 से 72 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी करके 26 और 27 जुलाई को भारी बारिश की संभावना बताई है। इस दौरान कई क्षेत्रों में वज्रपात जैसी घटना हो सकती है, जिसे लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें पटना, पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई जिले शामिल हैं। रिटायर्ड राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मियों को 1 साल और नौकरी का मिलेगा मौका। बिहार सरकार ने साल 2020 के अप्रैल महीने से जुलाई 2021 के बीच रिटायर्ड हुए राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों को अगले 1 वर्ष के लिए संविदा पर रखने का फैसला लिया है। इन कर्मियों को रिटायर्ड होने के बाद भी 1 और वर्ष के लिए संविदा पर रखा जाएगा। दरअसल सरकार कोविड महामारी के कारण इन पदों पर नई भर्ती नहीं कर पाई है और इस बीच पिछले साल कई कर्मचारी रिटायर्ड भी हो गए। इसके साथ ही कर्मियों का प्रमोशन भी रुका रहा, ऐसे में बड़ी संख्या में रिक्ति हो गई है। ऐसे में राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मियों को अगले 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित किया जाएगा और यह व्यवस्था केवल 1 बार के लिए होगी। ढोल पीट कर दी जाएगी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में हुए संशोधन की सूचना। बिहार पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने वाले कई मतदाता ऐसे हैं जिन्हें नगर निकाय क्षेत्र में शामिल किया गया है और अब वे पंचायत क्षेत्र के मतदाता नहीं रहे हैं। ऐसे में इस संशोधन की जानकारी देने के लिए चुनाव आयोग ने नया फैसला लिया है। इसके तहत पंचायत से अलग किए गए उन क्षेत्रों में ढोल बजाकर आम लोगों को इस तरह के संशोधन की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए साप्ताहिक हाट बाजारों का चयन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में आम लोग जुटते हैं। मतदाता सूची में संशोधन की सूचना आज शनिवार से 30 जुलाई तक 4 स्थानों पर दी जाएगी। आयोग ने ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत में पंचायत समिति के चुनाव के लिए संबंधित प्रखंड कार्यालय में, जिला परिषद चुनाव के लिए प्रखंड कार्यालय में और जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में सूचना देने का निर्देश दिया है। संशोधन के प्रचार प्रसार का जिम्मा जिलाधिकारी को दिया गया है।
शिक्षक नियोजन में दोबारा काउंसलिंग में भाग लेने का नहीं मिलेगा मौका। बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए पहले फेज होने के बाद दूसरे फेज की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इससे पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी कर कहा है कि कोई अभ्यर्थी अगर पहले काउंसलिंग में सेलेक्ट होने के बावजूद दूसरे फेज के काउंसलिंग में भी भाग लेते हैं तो उनकी शिक्षक बनने की दावेदारी को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में एक बार सेलेक्ट हो चुके अभ्यर्थी दूसरी बार काउंसलिंग में नहीं आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने साफ किया कि पहले चरण की काउंसलिंग के बाद जारी की गई मेरिट लिस्ट की समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा में खासकर तीन मुख्य बातों पर जांच चल रही है। पहला बिंदु यह कि आरक्षण की नियम का पालन हुआ है या नहीं, दूसरा मेधा अंक में हेरफेर से जुड़े मामले, और तीसरा एक ही अभ्यर्थी के कई दूसरी नियोजन इकाइयों में नाम शामिल होने के मामले में जांच की जा रही है। मैट्रिक पास अल्पसंख्यक वर्ग के 50,000 छात्रों को मिलेंगे 10,000 रुपए। बिहार बोर्ड से इस साल मैट्रिक पास करने वाले करीब 50,000 छात्रों को जो कि अल्पसंख्यक वर्ग के हैं उन्हें 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया है। ये केवल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने साल 2021 में मैट्रिक की परीक्षा पूरी की है और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और भाषीय अल्पसंख्यक बांग्ला के छात्र छात्राओं को इस सूची में प्राथमिकता दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2021 में परीक्षा देने वाले ऐसे छात्रों की संख्या 50,114 बताई गई है। वहीं इन छात्रों के लिए 50 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब जल्द ही राशि उपयुक्त छात्रों के खाते में जाएगी। सेना भर्ती रैली की लिखित परीक्षा अगले आदेश तक हुई रद्द। बिहार में कल यानी कि 25 जुलाई और आने वाले 29 अगस्त को सेना भर्ती रैली की लिखित परीक्षा आयोजित होने वाली थी, जिसे कोरोना और बाढ़ को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। अब इसके लिए नई तारीख की घोषणा अगले आदेश में की जाएगी। इस बाबत दानापुर भर्ती कार्यालय के निदेशक ने बताया कि लिखित परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है। इसके तहत 25 जुलाई को सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क एवं नर्सिंग असिस्टेंट और 29 अगस्त को सोल्जर जीडी की परीक्षा होनी थी। बता दें कि इसके तहत पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिलों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा होनी थी। अब नई तारीख तय होने के बाद सभी संबंधित प्रतिभागियों को आवश्यक सूचना दे दी जाएगी। राज्य के 9,000 से ज्यादा शिक्षकों को नौकरी से कर दी जाएगी छुट्टी। बिहार शिक्षा विभाग के लाख मोहलत देने के बावजूद भी विभिन्न जिलों से 9,644 शिक्षकों ने अपने जरूरी सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं किया है। ऐसे में शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले ऐसे शिक्षकों की नौकरी जाना तय है। इतना ही नहीं, ऐसे शिक्षकों ने आज तक जितना भी वेतन उठाया है वह भी विभाग इनसे वसूल लेगा। बता दें चले कि 21 जून से 20 जुलाई तक निगरानी जांच से जुड़े सभी शिक्षकों को फोल्डर अपलोड करने की मोहलत दी गई थी, जिसमें से अब जिन भी शिक्षकों ने अपने सर्टिफिकेट्स को अपलोड नहीं किया उसके लिए मोहलत खत्म हो गई है और उनकी नौकरी पर संकट बन गया है। बताते चले कि शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी शिक्षकों की पहचान के लिए यह कदम उठाया गया है। अपलोड किए गए सर्टिफिकेट को जांच निगरानी के अफसर संबंधित बोर्ड, यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग कॉलेज से कराएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि कितने शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट से बहाल हुए थे। पटना में आज 50 सीएनजी बसों को दिखाई गई हरी झंडी। राजधानी पटना में महंगाई और प्रदूषण की मार झेलने वालों को आज खुशखबरी मिली है। परिवहन विभाग ने 50 सीएनजी बसों का परिचालन आज से शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब पटना में कुल सीएनजी बसों की संख्या 70 हो गई है। इन नए बसों को आज सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इन बसों में सफर करने का न्यूनतम किराया 5 रुपए और अधिकतम किराया 46 रुपए तय किया गया है। बताते चले कि डीजल के मुकाबले सीएनजी का दाम कम होता है, इस वजह से महंगाई और प्रदूषण दोनों के लिहाज से सीएनजी बसें बेहतर होते हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक धीरे धीरे पटना की सभी सरकारी डीजल बसों को सीएनजी बस में बदलने की कवायद की जाएगी। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को प्रमोशन करके किसानों की आमदनी बढ़ाएगी बिहार सरकार। बीते दिन शुक्रवार को कृषि विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में बिहार के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के रोड मैप पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर किसान की आय को बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत बिहार के कृषि मार्केट को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज और डेवलप करना है। सीएम ने बताया कि साल 2008 में जहां बिहार का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 3 करोड़ रुपए का था, वह 2020 में बढ़कर 2,817 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है, किसानों के हित के लिए लगातार काम हो रहे हैं। अब तक 3 कृषि रोड मैप बनाए गए हैं, जिसे बनाने से पहले बड़ी संख्या में किसानों से सलाह मशविरे लिए जाते हैं। राज्य में मखाना, चावल, गेहूं, मक्का आदि फसलों का प्रोडक्शन रोड मैप के जरिए बढ़ा है। सहरसा जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन अनशन पर बैठे। बिहार के शिवहर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद बीते दिन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। यह धरना आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद होकर ही कर रहे हैं।
इसकी जानकारी वैशाली की पूर्व सांसद और उनकी पत्नी लवली आनंद ने मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि जेल में बंद कैदियों को कोरोना का बहाना बताकर उनके परिवारों से मिलने नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही जरूरत की वस्तुओं को जेल में ले जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। साथ ही गर्मी में पंखे की भी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना जेल आईजी, जेल प्रशासन और मुख्यमंत्री तक को दे दी गई है। लवली आनंद ने आशंका जताते हुए कहा कि जेल प्रशासन टॉर्चर कर रहे हैं, इससे जेल में क्या होता है यह पता नहीं चल पाता है। साथ ही उन्होंने सभी मांगों को जायज ठहराया। जाट सुप्रीमो पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव की हालत नासाज है। मिली जानकारी के मुताबिक जांच रिपोर्ट में पप्पू यादव की किडनी के बगल में स्टोन पत्थर बड़ा होने के कारण इन्फेक्शन 20,000 से ज्यादा हो गया है, जिस कारण उनकी तबीयत बीती रात से ही खराब हो रही थी। तेज बुखार होने के बाद शुक्रवार सुबह उनका अल्ट्रासाउंड भी कराया गया था। फिलहाल पप्पू यादव डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में है, जो कि उनकी जांच पर नजर रख रहे हैं। उन्हें कुछ दिनों से बदन दर्द भी था, जिस कारण वे सेहतमंद नहीं थे। बताते चले कि पप्पू यादव तकरीबन 2.5 महीने से जेल में बंद हैं और पुलिस की निगरानी में डीएमसीएच में अपना इलाज करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला से की टेलीफोनिक वार्ता। हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल से जदयू की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिसे राजनीतिक जानकार जदयू के हरियाणा में पहुंच बढ़ाने के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल बीते दिन जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने इनलो के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात कर की। इस दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चौटाला से फोन पर बातचीत की। इस दौरान केसी त्यागी ने 2 घंटे तक बातचीत के साथ बाद में भोजन भी साथ में किया। हालांकि किन मुद्दों पर यह मुलाकात हुई की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे जदयू का हरियाणा में पांव पसारने की शुरुआत बता रहे हैं। आपको बताते चले कि हरियाणा के इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के साथ नीतीश कुमार के अच्छे संबंध रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीता पहला सिल्वर। जापान के टोक्यो में हो रहे 2020 ओलंपिक खेलों का आगाज बीते दिन से हुआ था और आज भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीतकर खाता भी खोल दिया है। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रचते हुए भारोत्तोलन में रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत का ये पहला पदक है। बताते चले कि स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पे थी। इसके बाद क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में मीराबाई चानू 110 किलोग्राम उठाने में कामयाब रही। सिल्वर मेडल जीतते हुए मीराबाई ने 49 किलोग्राम वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं वेट लिफ्टिंग में चीन की जिहोई हो ने पहला स्थान पाकर स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार पटना की तरह ही बिहार के अन्य बड़े शहरों में सरकार को सीएनजी बस सेवा की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।